मारुति सुजुकी वैगन आर VXi प्लस है फ्रेंड्स, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और ऐसा प्रॉब्लम कस्टमर ने बोला कि पहले भी दो तीन चार बार चुका है, कभी स्टार्ट करते हैं तो हो जाती है और कभी नहीं होती है तो नहीं होती है, लेकिन अपने आप दो तीन घंटे रखने के बाद फिर से सेल मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी करते हैं इग्निशन ऑन फ्रेंड्स। तो आपको मैं शायद दिखा दिया होगा, इग्निशन ऑन करने पे जो इंजन चेक का लाइट और इम्यूबलाइजर का लाइट आना चाहिए वो आ रहा है, लेकिन इम्यूबलाइजर का लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है फ्रेंड्स, वो ब्लिंक नहीं करना चाहिए, वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है चाहे कितना भी सेल्फ लगा लो आप। तो मैं आपको सेल्फ लगा के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सेल्फ के अंदर भी दिक्कत है फ्रेंड्स, उसका नॉइस थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं है। तो फ्रेंड्स गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये सिक्योरिटी सिस्टम उसका अभी तो बैटरी भी लो हो चुका है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ब्लेजर का लाइट ब्लिंक करेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले उसका दूसरा चाबी होना चाहिए, वो लगा के चेक करना है और उसका फ्यूज व्यूज सब कुछ चेक कर दें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अभी इग्निशन ऑन है और ये इम्यूबलाइजर का जो सिक्योरिटी लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, यानी कि चाबी उसके साथ पेयर हो चुकी है। तो अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। हमने इग्निशन ऑन ऑफ किया दो चार बार फ्रेंड्स, तो हो चुका है अपने आप, लेकिन कई बार ऐसा होता है तो आप उसका चाबी चेंज कर सकते हो। तो अभी बैटरी लो है, शायद सेल लगा तो स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स जब ऐसा आपके साथ होता है तो आप उसको चाबी को सबसे पहले दो तीन बार ऑन ऑफ कर सकते हो, तभी भी कभी बार हो सकता है। और कई बार आप उसकी चाबी भी देख सकते हो, कहीं से क्रेक हो या टूटा फूटा हुआ, आपने कभी चाबी कहीं से गिर गई हो तो भी ऐसा हो सकता है। और लास्ट में आपको फ्यूज़ बूस चेक करना है, फ्यूज़ और रिले। तो इस गाड़ी को हमने दो तीन बार इग्निशन ऑन ऑफ किया फ्रेंड्स, तो हो चुकी है गाड़ी। आप देख सकते हो लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, गाड़ी को लगा दें सेल्फ, गाड़ी स्टार्ट है। और इंजन चेक का लाइट तो ये आफ्टर मार्केट CNG है इसीलिए आ रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इम्यूबलाइजर का लाइट आ रहा है, तो गाड़ी का इग्निशन ऑन ऑफ करना है दो तीन बार। तो गाड़ी स्टार्ट है, ये लाइट ब्लिंक नहीं करना चाहिए। अगर ये लाइट ब्लिंक कराए और आप चाहे जितने भी सेल्फ लगा लो, गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो ये इंजन चेक का लाइट आना चाहिए और इम्यूबलाइजर का लाइट ब्लिंक नहीं करना चाहिए। ये ब्लिंक करेगा तो गाड़ी सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ दिक्कत है, तो गाड़ी स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मारुति सुजुकी वैगन आर VXi प्लस, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है अभी। थोड़ा सा सेल्फ के अंदर नॉइस आ रहा है फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट है। हर बार इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ट्राई करने से कुछ बार कुछ गाड़ियां इस तरीके से हो जाती है, तो आप चेक कर सकते हो। इस कार के अंदर कस्टमर कंप्लेंट फ्रेंड्स इस तरीके का था कि गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं सुबह में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और दोपहर को फिर वही गाड़ी को स्टार्ट करते तो हो जा रही है। तो हमने चेक किया फ्रेंड्स, तो सिक्योरिटी लाइट जो ब्लिंक करा था वो नहीं करना चाहिए, इसके लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। लेकिन कभी हो रहा था वही गाड़ी दोपहर के बाद, तो इसको दो तीन बार इग्निशन ऑन ऑफ करने पर गाड़ी स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। हर कोई गाड़ी के अंदर इस तरीके से नहीं रहता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस तरीके से इग्निशन ऑन ऑफ कर सकते हो दो तीन बार, और हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप उसका फ्यूज़ रिले वायरिंग चेक कर सकते हो, उसके बाद चाबी भी चेंज कर सकते हो। और इम्यूबलाइजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बहुत सारे रीज़न होते हैं फ्रेंड्स, तो वो किस तरीके से गाड़ी अनपेयर हुआ उस पर डिपेंड करता है गाड़ी का स्टार्ट होना। लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हो इस तरीके से तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस गाड़ी को इग्निशन ऑन ऑफ करने पर स्टार्ट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।